गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ नोएडा, क्योंकि नोएडा में मेरा कुछ काम है। फिर मैं जाऊँगी सेंट्रल मार्केट, और इतने दिन से घर की साफ सफाई चल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, ब्लॉग नहीं बना पाई। आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं स्टार्ट करूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी थी, साफ सफाई हो रही थी। दिवाली आ गए, आप सभी को पता ही है दिवाली में कितने सारे काम होते हैं। तो चलो मैं चल रही हूँ अभी, आप सबको दिखाऊंगी। गाइस हम निकल चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ नोएडा। नोएडा से फिर वापसी जब आऊँगी तब मुझे जाना है मजनू का टेला, जो हमारी दिल्ली में ही है, बट मैं कभी भी गई नहीं क्योंकि वो तिब्बतियन एरिया है तो बस वही लोग जाते हैं। मैं कभी गई नहीं तो मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे जाने का मन तो बहुत दिनों से था, मैं जा नहीं पाई तो आज मैं जाऊँगी। हाँ जी, और आप सभी को मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे ना मार्केट भी है। गाइस अब मैं पहुँच चुकी हूँ मजनू के टेला में। ये नोएडा से आते रहते मैंने सोचा यहाँ पे चले जाऊँ, तो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट हम भी मिल गए और देखेंगे क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइस वी केम टू दिस प्लेस कॉल थक थकली, वी आर हेयर फॉर लंच। इनका यहाँ फूड सुना है काफ़ी अच्छा है, ऐसा मैंने सुना है बट मुझे पता नहीं है, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो रेस्टोरेंट है ये विलेज टाइप लग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, देख लो अंदर। गाइस ये मजनू का टीला में ये थ्रिफ्ट स्टोर बहुत सारे हैं, तो मैं भी एक में आई हूँ। इसमें आप देख पा रहे हो कितने सारे पर्सेस है लड़कियों के लिए। यहाँ पे ना आपको हर मतलब वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी, पर्स के कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं और प्राइस भी सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड शूज़ भी बहुत सारे हैं, बैग्स तो है ही, शूज़ भी है, लड़कियों के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, बूट्स है काफ़ी अच्छे अच्छे, नए नए कलेक्शन आए हुए हैं। और सर्दियों के लिए तो देखो कितने सारे आ रखे हैं, जैकेट्स है, कलरफुल स्वेटर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जैकेट तो बहुत सारे है ही, कोट भी है, लॉन्ग कोट भी है यहाँ पे, और मफलर्स की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे काफ़ी मफलर्स भी है, मतलब जैकेट के साथ मैच करके, स्वेटर के साथ मैच करके ले सकते हो, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और प्राइस भी बहुत अच्छा है। और गाइस फिर मैं आ गई एक दूसरे स्टोर पे, वेर यू विल गेट ऑल दिस स्टफ इन ए वेरी रिजनेबल प्राइस। सारी चीज़ें मेड इन कोरिया एंड चाइना है,
यहाँ पे सी गर्ल्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस वेयर यू गेट ऑल द स्किन केयर, यू नो लाइक फेस स्क्रब, फेस वॉश, बॉडी स्क्रब, फेस सीरम। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं साउथ कोरिया में हूँ, आई एम गेटिंग दैट वाइब्स, यू नो वेरी डिफरेंट स्टफ यू विल गेट हेयर विच इज़ रियली नाइस। एंड देन देयर आर फेस शीट मास्क, मुझे तो बहुत पसंद है स्किन केयर। ये फेक नेल्स है एंड हेयर बैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड छोटे छोटे टेडीज भी है बच्चों के लिए, एंड जैसे कार्ड वॉलेट होते हैं, छोटे छोटे पर्स होते हैं, आप इसके अंदर सारे कार्ड रख सकते हो, कार्ड होल्डर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स आइटम लाइक लिपस्टिक्स, एवरीथिंग, आई शेडोज है यहाँ पे, सारी चीज़ें हैं, मेकअप प्रोडक्ट, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यू शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस, सारी चीज़ें इतनी ऑथेंटिक है और प्राइस भी बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। ये क्यूट क्यूट सा कप एंड टोपीस भी है, स्लीपर्स भी है, मतलब आप आओगे ना यहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ आपको मन ही करेगा कि मैं खरीद ही लूँ, आप ऐसे खाली हाथ आप रिटर्न नहीं जाओगे। एंड यहाँ पे ग्रीटिंग्स कार्ड है और कैंडल्स वगैरह है। गाइस ये एक भूटान की स्टोर है जहाँ पे इंडियन गॉड्स के भी छोटे छोटे मूर्ति भी रखा है इन्होंने, एंड उनके भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं। मुझे कुछ लेना तो नहीं था यहाँ से, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए आ गई, और सारे चीज़ें भूटान की ही है, ये पता नहीं क्या है। और यहाँ पे जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके जो डिज़ाइनिंग चीज़ें हैं। और यहाँ पे शायद ये कैलेंडर टाइप्स के कुछ है, बुद्धिस्ट के होते हैं शायद, ये कर्टन्स भी है, ये देख रहे हो ये दीवार पे लगाने के लिए। फाइनली निकल गए, अब घर जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे कि बाहर निकलना मुश्किल ही हो गया, बट निकालना तो है ही, अभी दिवाली है, कुछ ना कुछ तो हर रोज ही निकालना ही है, मुझे शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। और पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, देख सकते हो आप कि पोल्यूशन कितनी है, इतनी हालत ख़राब हो रखी है दिल्ली की। निकलना था बाहर इसलिए आई, नहीं तो घर पे रहने ही सही है। हाय गाइस, मैं घर वापस आ गई और फिर मैंने चेंज भी कर ली है, फेस वॉश भी कर लिया मैंने, मैंने सोचा अभी ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ, और जो जो मैं सामान बाहर से लेकर आई थी, शॉपिंग करी थी एक्चुअली, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो ये जो एक ड्रेस है, तो ये ड्रेस जो है ये वैसे तो समर में पहनने के लिए है, बट मुझे अच्छा लगा, काफ़ी क्यूट लगा मुझे ये, तो मैं इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स थे, मतलब सारे कलर्स थे, पिंक, ब्लैक, वाइट, रेड, सारे कलर्स में ये थे, तो मुझे ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये ले ली। ये आया है 600 की, और जो वहाँ पे आंटी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं कर रही थी, तो मुझे 600 में ही वो लेना पड़ा। एंड देन मैं ये वाला एक कार्गो पैंट है ये लेकर आई हूँ, ये आप देख सकते हो, ये इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसके साथ मिलता जो तो ये वैसे ये 800 की है, 800 फिक्स प्राइस था यहाँ पर, तो ये 800 की ये मिला मुझे। एंड देन ये वाला जो है इसके साथ मिलता जुलता कुछ ये लेकर आई हूँ मैं, ये आया 300 में, तो ये दोनों थोड़ा सा मुझे सही लगा, मैचिंग किया हुआ कलर। एंड उसके बाद मैं ये एक लाई हूँ विंटर के लिए,
जैसा अभी विंटर आ गया तो सारे चीज़ विंटर की अब मिलेगी ज़्यादातर। तो ये हाईनेक है, आप देख ही पा रहे हो, ये पर्पल कलर ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करा जब मैं मार्केट में गई थी, तो इसको मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये पर्पल कलर। तो ये इसका कॉस्ट जो है ये 2500 की है, और इसके साथ ये ट्राउज़र है। जैसे मार्केट चली गई कहीं भी, मतलब नज़दीक में कहीं पे भी जाने के लिए ना, काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और हेवी भी नहीं है, हल्की सी है, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा तो मैंने ये ले ली। और ये टी शर्ट ले आई, ये 500 की पड़ा मुझे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें भी काफ़ी सारे वैरायटी थे, काफ़ी सारे कलर्स थे इसमें, बट मुझे यही वाला कलर पसंद आया। और एक बात और है, यहाँ वहाँ पे ना बिल्कुल भी, मतलब जो फिक्स रेट है वो इसी में आपको दे रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। तो ये भी मुझे फिक्स प्राइस उन्होंने रखा था 500, तो ये मिला मुझे 500 में। ये मेरा कपड़े की कलेक्शन हो गया। एंड देन उसके बाद मैंने जैसे आपको ब्लॉग में दिखाया था कि मैं कोरियन प्रोडक्ट्स के वो शॉप में मैं गई थी, और ये काफ़ी सारे मैं शीट मास्क लेकर आई हूँ। अब मैं इसको ट्राई करूँगी, फिर सभी को बोलूँगी कि ये कैसा है। और हाँ जी, ये एक की प्राइस पड़ा मुझे 80 रुपीज़। तो ये मैं काफ़ी सारे लेकर आई हूँ, ये मैं एक एक करके यूज़ करूँगी, और इसका रिज़ल्ट तो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कैसे है। एंड फिर ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो क्लिप्स है, ये एक की प्राइस मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी, ये थोड़ा कॉस्टली हो गया। ये ब्लैक, ये ना वैसे जैसे आप जैसे कोई ड्रेस डाल लिए और पीछे आप ऐसा करके इसको पिन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्यूट सा है। मैंने एक ब्लैक ले लिया, ये एक ग्रीनिश में है, और इसके बाद ये ब्लू है। तो मैं ये तीन लाई, तीनों 300 में आया। और ये एक सॉक्स है, ब्लैक सॉक्स, और ये हेयर बैंड है, ये 50 रुपीज़ की आई, ये 50 50 50। एंड ये लास्ट में ये मैंने एक कैप खरीदी थी, ये भी यही है, ये इसका प्राइस है 100 रुपीज़। तो बस यही था मेरा आज की शॉपिंग। आज मैं बहुत थक गई क्योंकि सुबह गई थी और अभी आई हूँ घर पे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंडिंग लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।